मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। ये वीडियो में हम आपको एक अपील करना चाहेंगे। एक लड़की जो है वो 17 जनवरी से लापता है, जिसकी उम्र 17 साल है और ये मुमरा के ही रहने वाली है। और इसके माता पिता काफ़ी परेशान हैं उस बच्ची को लेकर के, कि अभी तक 10 जनवरी से लेकर के अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं मिला है। और बात करेंगे, उनकी वालिदा मौजूद है, जिनका नाम मिनाज महमूद खान बताया जा रहा है, जो लड़की गायब हुई है, और उनकी माँ है यहाँ मौजूद बात करने के लिए। किस तरीके से लड़की गायब हुई और क्या अपील करना चाहेंगे? 10 तारीख को मेरी बच्ची गायब हुई है। 3 बजे निकली घर से और 3:30 बजे उसका स्विच ऑफ हो गया। हम लोग चौकी गए, मगर चौकी में थोड़ी सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सुनवाई हो, थोड़ा हमारी बच्ची की हेल्प हो, कहीं हो तो मेरी बेटी सही सलामत घर आ जाए। बस और कुछ नहीं चाहती मैं कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं कहने वाली। मैं हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी सही सलामत घर आ जाए, बस मेरी यही है। अच्छा, जिस दिन वो गायब हुई थी वो क्या कपड़ा पहनी थी और कहाँ जा रही थी? एक वो जींस की पैंट पहनी थी नीली, और एक टॉप पहनी थी ऐसा ऐसे कलर का, ग्रीन कलर का साइज। हाँ, और एक बैग था पीछे, और एक पर्स भी टंगा था बच्ची के साइड में जो टांगते हैं वैसा। खुशी खुशी गई वो पैसा लेके मेरे से भाड़े का। हाँ, काम पे जा रही थी वो। हाँ, ये अपना भिमंडी बाईपास किनारा होटल में। जो जो लोग भिवंडी के आसपास या भिवंडी कर्ज, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, वो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दो फोटो, ये दोनों को अगर आप जानते हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछताछ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहूँगा, लड़की क्या काम कर रही थी? लड़की क्या काम कर रही थी? अभी बियर बार में ही जाती थी बस। पहले केटेस के काम पे जाती थी, अभी बियर बार के काम पे जाने। कितना दिन हो गया था? 20 दिन हो गए। बेटर के काम पे जाती थी वो बियर बार में। अच्छा, 17 साल की उम्र आप बता रहे हो, ऐसे क्या आपके घर में मजबूरी थी जो वो काम पे जाती थी ऐसा? हमारे आदमी की वो काम धंधा बंद है, वो लॉकडाउन में कोई काम नहीं चल रहा था, घर में बहुत परेशानी थी। इसके लिए बच्ची ने खुद बोला था मेरे से कि मम्मी मैं जिस काम पे लग जाती हूँ तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी अपन लोगों की। हम लोग पहले पहाड़ पे भी रहे मगर बहुत परेशानी से रहे, बच्ची ने देखा था। मगर उसके बाद में मेरी बेटी ही बोली कि मम्मी मैं ये काम पे चले जाती हूँ, शायद अच्छा हो जाए हमारा, तो इसलिए वो फिर गई अपनी मर्जी से, मगर मैंने नहीं बोला उसको कुछ भी। अच्छा, जैसे ये वीडियो को उसके सहेली लोग भी काफ़ी सारे देख रहे होंगे और काफ़ी मुमरा के लोग भी देख रहे होंगे जो सहेली के दोस्त के कॉन्टेक्ट में होंगे, तो उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और किस तरीके से आप परेशान हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से बस यही चाहूँगी, अगर उन लोगों को पता हो तो मेरे को बताएं, फ़ोन करके बोलें कहाँ वो क्या मीना की मम्मी मेरे पास है या हमको मालूम पड़ा है, तो हम मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है, खाली बस मेरी बेटी सही सलामत आ जाएगी घर, तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत वो होगा। जिस तरीके से एक माँ ने गुहार लगाई है हमारे वीडियो के ज़रिए, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मीना की जो भी आपको खबर आएगी हम तक पहुँचाइए, कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ आपको। और जो भी हो सके, अगर मीना इस वीडियो को देख रही है, उनके सहेली देख रहे, तो आप लोग कन्विंस करिए अगर मीना आपके कांटेक्ट में है कि आप लोग आइए, क्योंकि इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि एक ही बड़ी लड़की है जो अभी मिसिंग है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मीना जहाँ कर कहीं पर भी हो आ जाइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।